हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको देखनी है और फॉलो करनी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करनी है। यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉलपेपर का। आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको फोर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, माई फोटोज, स्टाइलिश, डायनेमिक एंड क्यूरेटेड इमेज। तो यहाँ से आप माई फोटोज पर क्लिक करके फ़ोन की गैलरी में से भी कोई भी फोटो सिलेक्ट करके वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्यूरेटेड इमेज का, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सी स्केप्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको इस तरीके से वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव का। देन यहाँ से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, होम एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।